हाई फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट गॉस टेस्ट। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है कि हम कोई सीरीज का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जब निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले रेशियो और रूट टेस्ट को अप्लाई करते हैं। रेशियो या फिर रूट टेस्ट में से किसी एक को अप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ अगर ये दोनों भी फेल हो जाए हमारा सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बताने में, तो हम लोग राबीज़ या फिर लॉगरिथमिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अगर ये दोनों भी फेल हो जाए तब हमारे पास आता है गॉस टेस्ट। ठीक है, व्हाई डू वी यूज गॉस टेस्ट, इट इज़ क्लियर। नाउ व्हाट इज गॉस टेस्ट, इट स्टेट्स दैट कि अगर यू एन एक सीरीज है जो कि पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, ठीक है, हमारा यू एन जो है वो एक पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, और ये बोलता है कि यू एन बाई यू एन प्लस वन, दैट इज यू एन बाई यू एन प्लस वन इज इक्वल टू अगर एल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस वाई एन बाई एन पी हो, वेयर जो अल्फ़ा है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा एंड पी, दैट इज़ यहाँ पे जो एन का पावर पी है उसका वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, और वाई एन जो है वो हमारा एक बॉन्डेड सीक्वेंस हो, तब अगर ये हो तब, दैट इज यू एन बाई यू एन प्लस वन इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई एन प्लस वाई एन बाई एन पी हो, जहाँ पे अल्फ़ा ग्रेटर देन ज़ीरो हो और p का वैल्यू भी ग्रेटर देन वन हो तब, और हमारा जो वाई एन हो वो बाउंडेड सीक्वेंस हो तब। ठीक है, नाउ ये कंडीशन फुलफिल करेगा तब हमारा बोलता है कि अगर अल्फा का वैल्यू नॉट इक्वल टू वन हो, दैट इज़ वन से बड़ा हो छोटा हो पर नॉट इक्वल टू वन हो, तब यू एन दैट इज़ हमारा जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा अगर अल्फा का जो वैल्यू है, जो भी हमारा वैल्यू अल्फा का होगा वो अगर ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, अगर अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा तो कन्वर्ज, एंड अल्फा का वैल्यू अगर लेस देन वन हो, दैट इज वन बड़ा हो अल्फा से, तो वो यू एन जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, वॉट एवर बीटा में भी, बीटा हमको यहाँ पे देखना ही नहीं है, हम सिर्फ अल्फा को देख के ही हम लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज का बता देंगे। ठीक है, नाउ अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू वन था तब ये कंडीशन था, अगर अल्फा इज इक्वल टू वन होगा तो हम सीरीज, दैट इज़ हमारा जो यू एन सीरीज है उसको कन्वर्जेंट तब बोलेंगे जब बीटा जो है वो ग्रेटर देन वन हो, और डाइवर्जेंट तब बोलेंगे अगर हमारा बीटा जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू वन हो। ठीक है, दैट इज़ हमारा बीटा का वैल्यू जो है वो वन से छोटा हो या फिर वन हो, तब हम उसको डाइवर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, आई रिपीट, If यू एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, यू एन कोई सीरीज होगा पॉजिटिव टर्म्स का, एंड यू एन बाई यू एन प्लस वन, दैट इज हमको ये वैल्यू निकालना होगा, और अगर हम इस वैल्यू को इस फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर दे, दैट इज इट फॉर्म में रिड्यूस कर दे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाई एन, दैट इज बीटा का डिनोमिनेटर में एन जो कि एक पावर में होगा, और वाई एन एक सीरीज बना दे जिसका डिनोमिनेटर में एन पी है, दैट इज पी जो है वो ग्रेटर देन वन है, मतलब एन स्क्वायर एन क्यूब कुछ भी एक ले ले, और हमारा अगर अल्फा नॉट इक्वल टू वन आए तो हम कन्वर्जेंट तब बोलेंगे अगर अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, डाइवर्जेंट बोलेंगे अगर अल्फा का वैल्यू लेस देन वन हो, वॉट एवर बीटा में भी। ठीक है, बीटा से हमको मतलब नहीं है यहाँ, मगर अल्फा का वैल्यू जब इक्वल टू वन हो तो हमारा यू एन को हम कन्वर्जेंट तब बोलेंगे जब बीटा इज ग्रेटर देन वन हो। ठीक है, यहाँ पे अल्फा जब ग्रेटर देन वन था तब कन्वर्जेंट, यहाँ पे भी बीटा इज ग्रेटर देन वन तब कन्वर्जेंट, नाउ डाइवर्जेंट कब बोलेंगे जब बीटा जो है वो लेस देन और इक्वल टू वन हो। ठीक है, सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज, सो दैट द सीरीज डाइवर्जेस बाय गॉस टेस्ट, दैट इज हमारा गिवन सीरीज को हम लोग को डाइवर्जेंट प्रूव करना है यूजिंग गॉस टेस्ट। ठीक है, सो गॉस टेस्ट के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, पहले देखना होगा कि यू एन जो है वो हमारा पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, तो ये क्लियरली दिख रहा है ये एक पॉजिटिव टर्म का सीरीज है। नाउ सेकंड स्टेप क्या है कि यू एन बाई यू एन प्लस वन का वैल्यू हमको फाइंड करना है, जो कि हम इसको रिड्यूस करके इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे, तब हम इसका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पता कर पाएंगे। ठीक है, सो यू एन हमारा है वन टू, दैट इज ये लास्ट वाला टर्म यू एन हो जाएगा वन थ्री फाइव डॉट 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 टू एन माइनस वन, एंड डिनोमिनेटर में है टू टू फोर सिक्स डॉट 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 टू
टू एन, ठीक है. सो यू एन प्लस वन क्या हो जाएगा, इसमें वन एन के जगह पे एक टर्म और जोड़ देंगे एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा टू एन प्लस वन, टू एन प्लस टू माइनस वन, दैट इज टू एन प्लस वन, एंड यहाँ पे टू एन और यहाँ पे एन प्लस वन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टू एन प्लस टू, ठीक है. सो ये वाला हो जाएगा टू एन प्लस टू. नाउ इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज यू एन बाई यू एन प्लस वन करेंगे तो ये हो जाएगा. नाउ क्लियरली ये वाला टर्म से सारा वैल्यूज ये वाला टर्म तक कट जाएगा, टू एन से टू एन तक कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, वी आर लेफ्ट विथ टू एन प्लस टू बाई टू एन प्लस वन, ठीक है. नाउ अगर इससे हम टू एन को कॉमन ले ले, दैट इज टू एन बाहर निकाल ले, तो ये हो गया वन प्लस वन बाई टू, वन बाई एन, क्योंकि हम लोग टू को भी बाहर कर चुके थे तो वन बाई एन होगा, और यहाँ से टू एन अगर बाहर करें तो ये हो जाएगा टू एन प्लस वन बाई टू एन, ठीक है. नाउ टू एन कट जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ वन प्लस वन बाई एन, और ये वाला जो नीचे टर्म बच गया उसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो होगा वन प्लस वन बाई टू एन का पावर माइनस वन. नाउ अब हम इस सीरीज एक्सपेंशन लगा देंगे, सो वन प्लस एक्स का पावर माइनस वन का होता है वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ऐसे सो ऑन चलते जाता है. तो ये वाला जो फॉर्मूला है सीरीज का हम यहाँ पे एप्लीकेबल कर देंगे, हमारा एक्स क्या है यहाँ पे वन बाई टू एन, ठीक है. नाउ इसको अब हम लोग तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा वन, दैट इज सीरीज एक्सपेंशन में ब्रेक कर देंगे, सो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स दैट इज वन बाई टू एन प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज वन बाई फोर एन स्क्वायर. तो हमको एन स्क्वायर तक ही टर्म चाहिए तो हम क्यूब में नहीं जा रहे हैं, डॉट 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 सो ऑन कर दिए, ठीक है. नाउ मेरा मकसद क्या है कि हम एक अल्फा दैट इज कांस्टेंट टर्म लिखे प्लस बीटा बाय एन, मतलब जो डिनोमिनेटर एन वाला टर्म है उसको एक जगह लिख दे, और एन पी दैट इज पी हमारा ग्रेटर देन वन है तो हम पी स्क्वायर ही ले लेते हैं, ठीक है. दैट इज एन स्क्वायर ले लेते हैं, पी को टू लेते हैं, दैट इज पी इज इक्वल टू टू लेते हैं, और हमारा वाई एन एक कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस बना लेते हैं, ठीक है. हमको बाकी टर्म से कोई मतलब नहीं है, बस हमको इतना से मतलब है क्योंकि इतना में ही हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को बता देंगे, ठीक है. नाउ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा वन प्लस वन बाई एन, दैट इज वन से हम ये दोनों इसको मल्टीप्लाई किए और इसको मल्टीप्लाई किए, ठीक है. नाउ अब हम इसको एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू एन, दैट इज हमारा नीचे डिनोमिनेटर में एन वाला टर्म मिल रहा है इसीलिए लिख दिए. नाउ अब एन वाला टर्म तो नहीं मिलेगा, अब एन स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे. तो एन स्क्वायर वाला टर्म कैसे मिलेगा, इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा एन स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा, दैट इज़ वन बाई टू एन, और ये वाला वन से मल्टीप्लाई होके ये भी मिलेगा वन बाई फोर एन स्क्वायर, ठीक है. एंड सो ऑन, बाकी टर्म से हमको मतलब है नहीं. नाउ इस दोनों को अगर सॉल्व कर दिए तो ये हो जाएगा वन प्लस, इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा टू एन, यहाँ पे हो जाएगा टू वन माइनस टू विच इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा फोर एन स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा टू प्लस माइनस टू प्लस वन विच इज इक्वल टू माइनस वन. तो क्या यहाँ पे अब बाकी टर्म से हमको मतलब नहीं, हमको बस इतना टर्म से मतलब था, और हम यू एन बाई यू एन प्लस का वैल्यू क्या हम ऐसा लेके आ चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस वाई एन बाई एन का पावर पी, क्लियरली दिख रहा है हम उस फॉर्म में ला चुके हैं. तो हमारा यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू वन है. नाउ बाय गॉस टेस्ट व्हाट वी नो कि अल्फा अगर वन है तो यू एन जो है दैट इज हमारा सीरीज कन्वर्जेंट तब होगा अगर बीटा का वैल्यू वन है, ग्रेटर देन वन है. बीटा अगर ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट, एंड डाइवर्जेंट तब होगा अगर बीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन है, ठीक है. तो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू वन वी हैव टू चेक फॉर बीटा, ठीक है. अगर अल्फा नॉट इक्वल टू वन रहता तो हम लोग को बीटा चेक करने का जरूरत नहीं रहता, हम लोग डायरेक्टली बोल देते कि अगर अल्फा ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट, एंड अल्फा ग्रेटर लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट. मगर यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू वन है तो हमको बीटा के लिए चेक करना होगा. सो बीटा क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू वो वाला टर्म, वो वाला होगा जो एन को छोड़ के होगा, दैट इज डिनोमिनेटर में एन को छोड़ के होगा, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, बीटा बाई एन है. तो बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस वन बाई टू, सो वी हैव बीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू विच इज लेस देन वन, ठीक है. सो क्लियरली देख सकते हैं कि बीटा जो है वो लेस देन वन है, और जब लेस देन वन रहता है तो हम क्या बोलते हैं उस सीरीज को, डाइवर्जेंट सीरीज, दैट इज यू एन इज डाइवर्जेंट बाय गॉस टेस्ट, ठीक है. सो वी हैव डिस्कस्ड गॉस टेस्ट.
आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट.